हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोनू सिंह कार टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। अगर इनमें फ्यूल ख़त्म हो जाए तो कितने का नुकसान होगा, सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो व्हीकल है, ये होंडा एक्टिवा 125 BS6 है। सो इसमें जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो भी फ्यूल है वो कम से कम एक डंडी हमेशा शो होनी चाहिए। अगर एक डंडी शो नहीं होती, सो अगर लो हो जाता है, सो जो हमारा फ्यूल टैंक है, जो फ्यूल टैंक में मोटर लगी है, पंप है जो, वो इसका डिफेक्ट हो जाता है। और बाकी जो जो पार्ट्स है इसके, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, सो ये डिफेक्ट हो जाते हैं। सो ये होता क्या है, सो बिना फ्यूल के चलने से डिफेक्ट हो जाते हैं। सो अब आपको फ्यूल पंप की लोकेशन दिखाते हैं, सो वहाँ से बात कर। दोस्तों जो इसकी लोकेशन है फ्यूल टैंक की, सो इसके बैक साइड में पीछे दे रखी है, सो आप देख सकते हो। सो इस कैप को हम इजीली खोल सकते हैं। सो जो इसमें होता क्या, एक्चुअली में जो इसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर रहती है। सो जब इग्निशन ऑन करोगे, सो यहाँ एक सूं की आवाज़ आती है, सो उससे हमें ये पता चलता है कि जो इसका पंप है वो वर्क कर रहा है। सो एक बार इग्निशन ऑन करने पर वो कम से कम एक दो सेकंड साउंड आएगी, फिर चली जाएगी। तो जब गाड़ी स्टार्ट रहेगी व्हीकल, तो तब इसमें प्रॉपर आएगी। तो अभी इसमें शो हो नहीं पा रही इसकी फ्यूल पंप मोटर। जो इसकी फ्यूल पंप मोटर है वो इलेक्ट्रॉनिक ही है। अगर हम इसमें पेट्रोल ना रहे तो इसकी जो भी मोटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, फ्यूल इंजेक्टर, सो ये डिफेक्ट हो जाते हैं। तो कभी भी ध्यान रखें, जो फ्यूल है वो कम से कम क्लस्टर मीटर में एक गेज शो करनी चाहिए, उससे नीचे बिल्कुल भी ना चलाएं, नहीं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपको। तो इसका, क्योंकि जो फ्यूल सिस्टम है वो डिफेक्ट हो जाएगा, खाली चलने से ज़्यादा चांस ये होते हैं कि जो इसका पंप है वो बैठ जाता है, मीन्स कि एकदम ख़राब हो जाता है। तो वो जो व्हीकल है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, गाड़ी स्टार्ट होगी तो रेस ही नहीं पकड़ेगी। सो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, सो हमेशा ध्यान रखें। कभी इसमें जो फ्यूल गेज है कम से कम एक पॉइंट शो होनी ही चाहिए, उससे नीचे बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल व्हीकल है। इसमें सारे जितने भी पार्ट्स से ज़्यादातर सब सेंसर पे डिपेंड है, क्योंकि जो इसमें पुराने वाले होंडा एक्टिवा थे, सो अभी इसमें पुराने वाले से बिल्कुल चेंज है। सो जो पुराने वाले होते थे वो मैनुअली होते थे, अब जो ये नए हैं, सो PGM-FI टेक्नोलॉजी प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें यूज़ हुआ है, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्टर हैं, सो ज़्यादातर वही डिफेक्ट होते हैं। सो हमेशा ध्यान रखें, कभी इसे लो फ्यूल पे ना चलाएं, कम से कम एक गेज शो होनी चाहिए। बाकी ये एवरेज के मामले में बेस्ट हैं। सो जो नॉर्मल से एक्टिवा से ये 10% ज़्यादा एवरेज निकालती है। इसमें जो एवरेज है अप्रोक्सीमेट 60 की एवरेज है इस व्हीकल में, जितने भी प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ रहे हैं इनमें। सो ये थी हमारी वीडियो। सो अगर फ्यूल ख़त्म हो जाए तो कितने का नुकसान होगा, क्या नुकसान हो सकता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।